हेलो गाइस, तो आज का वीडियो जो है उस पर मैंने लाया मैथमेटिक्स के जो मैट्रिक का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें एक क्यूब आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्यूब की जितनी इंफॉर्मेशंस है सब में लिखा हुआ है। देखिए कि ये एंगल है, इसकी एंगल इसको बोलते हैं। अब इसकी जितनी है अब वो आगे और जितनी एंगल्स होंगे, ठीक है, ये होता है फेस। ये पूरा इसके फेस कितने फेस होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर पीछे घूमेंगे तो हो जाएगा इसका पीछे 6 फेसेस। नहीं, यहाँ होगा 6 फेसेस नीचे, तो यहाँ पे है 6 फेसेस, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो है क्यूब, और जिसको क्यूब नहीं आता बनाने का मैं आपको सिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे करिए, पहले एक क्यूब बनाइए, फिर यहाँ से एक क्यूब बनाइए, या फिर यहाँ से मैच करना हो, यहाँ 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 और यहाँ यहाँ और यहाँ जो बच गया उसको ऐसे ही करते हैं। क्यूब बन गया, यहाँ पे फेस लिख दीजिए, या फेस, ये एक क्यूब है, क्यूब इसी को कहते हैं। अगर आपको इजी है एक बार इसको एक्सपेरिमेंट करो आप, या फिर इसको ट्राई करो, ये बन सकता है। ऐसे इस पर आपको फोकस देना है, ठीक है। जो हम अपने पढ़ाई के पास फिर से चलते हैं, तो आ गए हैं अपने स्टडीज के पास। तो यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स के बहुत कुछ है। ऐसे सिलेंडर आपको मिल जाएगा और क्यूब मिलेगा, लाइट्स को बंद करते हैं। ये लाइट्स देखिए, बहुत कुछ आपको मिल सकता है एंगल्स में। अब इसकी कितनी होगी, क्यूब्स की 6, एंगल्स क्या होता है, अब एंगल्स के बारे में बोलते हैं। ये जो जो है ना पूरी, इसको बोलते हैं एंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना पूरी, और इसका आंसर भी है 12 एंगल्स, 8 बेंट है। अब एक जी यहाँ पे लिखा भी है, कॉर्नर को बोलते हैं बेंट, और ये वही, ठीक है। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8, यहाँ पे है भी। तो क्यूब से रिलेटेड से मैथमेटिक्स में ये सब आते हैं, और इसको एंगल भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग जाते हैं आगे। गाइस, सिलेंडर जो है अच्छे से नहीं बने हैं, देखिए सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है तो इसमें भी बहुत कुछ है कि सिलेंडर में बहुत सारे आते हैं। जैसे सिलेंडर है, 2 एंगल्स नो कॉर्नर्स, इसमें एक भी कॉर्नर नहीं होता। अगर आपको मैं रियल का दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूँ रियल का। तो गाइस ये रहा रियल का, ठीक है, ये सिलेंडर है रियल का, और ये जो है सिलेंडर इसमें पूरा है, ठीक है, और ये पूरा है। अब मैं अब आपने देख लिया, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने में। तो गाइस यहाँ पर जगह आपको सिर्फ समझ लेना है, और कैमरे को मैं आपको करके धीरे धीरे दिखाता हूँ। ये कर्व सरफेस जो है सिलेंडर को कर्व सरफेस ही है, और तो गाइस इसी की ये सिलेंडर है। अरे इसके पूरे 2 एंगल्स है, क्योंकि ऊपर का हम लोग नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये गिरेना ये नहीं, 2 एंगल्स होगा, ऊपर के टेढ़ा है इसलिए कोई एंगल नहीं होगा। कट सरफेस है, ये प्लेन सरफेस ये नहीं है, ठीक है। नो एंगल कॉन्स, इसमें कोई कॉन्स नहीं होते, और ये कट सरफेस है, क्या दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है सिलेंडर है, उसकी आपको पूरा आपको पता चलेगा, 2 नॉट कॉर्नर्स, इसमें कोई कॉर्नर्स नहीं है, कोई कॉर्नर्स नहीं होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में लॉजिक आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है कोन, कोन में आपको रियल का दिखाता हूँ। गाइस ये रियल का, और इसकी प्लेन फेसेस सरफेस इसलिए है क्योंकि इसमें कर्व सरफेस नहीं है। देखिए ये कर्व पर ये एंगल्स, और आपने देख लिया इसकी कोई शेप में नहीं होती है, ठीक है, आपको नहीं चल जाते। एज वीडियो में जो है अंतर आपको देखना है,
ये है प्लेन सरफेस। मैंने भी आपको बताया आपको ना ये वैरायटी होती है, यानी इसको बोलते हैं ना इसमें हम बोलते भी हैं इसको। आपको समझ लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी दिखाई देता हूँ, मेरा रोटीन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट देखिए इसे ये जो है कॉर्नर की एक ही होती है और एक एंगल होती है, एक वैरायटी होती है, मतलब एक होती है, ये सिर्फ एक होती है और कुछ नहीं होगी, और ये वैरायटी ठीक है एंगल्स भी एक। तो देखिए ये है शार्पनर और इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग कर रहे हैं, तो आप इसको देख लो क्योंकि अब मैं से ही आपको पढ़ा दूँगा। देखिए यही है वो क्वेश्चंस कर्व फोर्सेस और इसको बोलते हैं शार्पनर और इसको इसे नो, इसमें कोई इस सर्कल जो है सर्कल में कुछ नहीं होता, सब गोल 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 होता, लेकिन ये जो है ये कर्व सरफेस होता है क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, और वीडियो जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, मिलते हैं और वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।